हेलो एवरीवन, आज के ये जो वीडियो है आप इससे सीखेंगे कि आप कड़ी पत्ते के पौधे में ज्यादा से ज्यादा पत्तियां कैसे पा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फरवरी और मार्च के महीने के अंदर इसके अंदर फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दाने के दाने जो ऊपर हैं, दानों का ये जो गुच्छा है, तो इसके अंदर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। सफेद रंग के छोटे छोटे फूल खिलेंगे और उसके बाद उसके अंदर फल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इतने सारे अगर आपको फल नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पत्तियां चाहिए, तो आपको इसके ऊपर का ये पोर्शन को तोड़ देना है, निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर मैं सारे जितने भी ये गुच्छे हैं दाने के, ये मैं इसको तोड़ दे रही हूँ। इससे क्या होगा, जहां से आपने ये गुच्छे तोड़ दिए हैं वहीं से नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर उसके अंदर धीरे धीरे नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी और आपका जो कड़ी पत्ते का जो पौधा है और भी ज्यादा घना हो जाएगा। तो अगर आप इन दानों को गुच्छों को आप लगे रहने देंगे तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद सारे जो बीज हैं वो पकना स्टार्ट हो जाएंगे और सारा जो पौधे का न्यूट्रिशन है उन सारे बीजों में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पत्तियां आपको अगर चाहिए तो आप इन गुच्छों को ऊपर से आप तोड़ सकते हैं और अगर आपको इसके अंदर बीज चाहिए तो एक दो जो टहनी है उसके अंदर आप बीज को लगे रहने दीजिए, बाकी टहनियों के जितने भी ये जो फल हैं आप ऊपर से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी जितने भी ये फल है उसको मैं निकाल दे रही हूँ ताकि जो मेरा पौधा है इसमें भी ज्यादा से ज्यादा पत्तियां आएं। तो मैं ये काम हर साल करती हूँ, तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके को जरूर अप्लाई कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली बार किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।